I'm going to move on now to the city of Ayodhya, which is all set to welcome Prime Minister Narendra Modi ahead of the third phase of polling. Prime Minister will be in the temple city of Ayodhya today. The government has decorated the entire city for Modi's visit. He will be offering prayers, performing puja at the Ram Mandir. 7 p.m. is the time given. This is Prime Minister's first Ayodhya trip after Pran Pratishtha event on the 22nd of January. Now, after the darshan of Ram Lala, Modi will be holding a nearly 2-kilometer-long roadshow where saints and mahants of Ayodhya will be accompanying him. In fact, platforms have also been set up at various points on that very stretch where the Prime Minister's roadshow will be carried out. Ram Lala Darshan Marg has also been heavily decked up. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर रोड शो होने वाला है और किस तरह की तैयारी है उसकी वो आपको दिखा देते हैं. पूरा नजारा देखिए, ये वही रास्ता है जिससे चलकर सीधा राम मंदिर लोग पहुंचते हैं. ऐसे में यहां पर लोगों का हुजूम तो आया हुआ है. प्रधानमंत्री का आज रोड शो होने वाला है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? दिल खोल के उनके साथ हैं. यहीं से पीएम की पूरी गाड़ी आएगी और लोग यहां पर सड़क के दोनों तरफ मौजूद रहेंगे और लोगों को ये इंतजार है आज रोड शो पीएम का होने वाला है. लोगों की क्या प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री के यहाँ पर कटआउट्स लगे हुए हैं, आप लोग बताइए. रोड शो देखेंगे पीएम का? जरूर देखेंगे. आए थे हम लोग दर्शन करने, पूजा करने आए थे, लेकिन हो गई, पूजा हो गई, लेकिन पता चला कि मोदी जी का रोड शो है तो हम लोग देख कर ही जाएंगे. जी गोपालगंज से आए हुए हैं हम. गोपालगंज से आप रोड शो देख के जाएंगे? जरूर देख कर जाएंगे. हमने के गोरखपुर से आई लेंगे. गोरखपुर से आई बड़ा शहर से. यहाँ पे व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा था. 4 साल पहले आई लेने कोनो व्यवस्था नहीं यहाँ पे, और सब अब बहुत अच्छा. दर्शन बहुत सुंदर दर्शन हुआ, और जो हमारे मोदी जी ने काम किया आज से पहले कभी नहीं हुआ. हमने भी इतना टाइम देखा, इतने प्राइम मिनिस्टर देखे, जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सका. और मोदी यहाँ पर लोग जाए, आप रोड शो देखने आई हैं क्या? हाँ देखने आए हैं मैम, हम मोदी जी को देखने आए हैं. अच्छा अच्छा, क्या सोच रही हैं चुनाव को लेकर? क्या सोच? मोदी को जिताएंगे मैम, मोदी को जिताएंगे. आप बताइए, इधर आइए इधर आइए. रोड शो देखने आई हैं? हाँ वही देखने आए हम लोग. हाँ ले लीजिए. तो आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? क्या सोच रहे हैं? बस जो है मोदी जी ही आएंगे और कुछ नहीं. अब कभी मोदी ही जीतेंगे जी. इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि कई जगहों पर फूलों की बारिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होने वाली है, और जो कार्यकर्ता हैं, अयोध्या के लोग हैं, वो इंतजार रहेंगे. बिहार से लेकर यूपी के अलग अलग जगहों से लोग पूछ रहे हैं, और इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री अयोध्या में एक नए सिरे से आप कह सकते हैं जो चुनावी पिच है बीजेपी की, उसको बल देते हुए दिखाई देंगे. मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 दिन में 400 के पार लाएंगे. मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 दिन में 400 के पार लाएंगे. और मोदी जी के लिए 2 लाइन और कहना है, मथुरा भी हम लोग को जाना है. हम मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे. अब मथुरा का भाग जगा जाएंगे, मोदी आएंगे. अब मथुरा का भाग जगा जाएंगे, मोदी आएंगे. अब मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा. मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा. एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम. एक ही नारा एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा. मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा. मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा. एट बिरला मंदिर चौराहा फ्रॉम वेयर प्राइम मिनिस्टर विल बी बिगनिंग हिज रोड शो, एंड बिफोर दैट ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड हियर. जॉइंट होर्डिंग्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैव बीन पुट अप हियर, वेयर द अचीवमेंट्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट हैव बीन मेंशन. यू कैन सी एस टू हाउ देयर इज वन होर्डिंग व्हिच रीड्स सुरक्षित घर परिवार विश्वास देश का गारंटी मोदी की. एट द सेम टाइम देयर इज अनदर होर्डिंग व्हिच हैज बीन पुट अप राइट इन फ्रंट ऑफ द एंट्री.
gate of Ram Temple in front of Birla Mandir, which, where the holding reads Chandrayaan ke safalta ab antriksh mein unchi udan. So here the arrangements have been made by the administration. PM Narendra Modi will be reaching at around 7 p.m. Before that, he will do two big rallies in Uttar Pradesh only, and after that, he will reach here at Ayodhya at 7 p.m. After offering prayers at Ram Temple, PM Narendra Modi is going to take part in a massive road show. Let me also try to show you the pictures of arrangements that have been made here. Security arrangements have been made here. The entire route has been completely barricaded from the Teri Bazaar, which is the same famous which is famous market in Ayodhya. The entry of vehicles has now been banned by the administration. Only few vehicles who have got legal pass, only they are allowed. With video, Dhanesh Jagannath, I am Piyush Mishra in Ayodhya for India Today. All right. Remember, the Ram Mandir has come up after years of conflict. And if we could take you through reactions coming in from one Noor Alam, who is right the neighbor of Ram Temple, lives right around that area. While spoken to him about the Ram Janmabhoomi, he seems to be quite excited. Also with Prime Minister Modi's rally to take off any time now. आज के लिए क्या तैयारी की? आज के लिए ये तैयारी है कि प्रधानमंत्री जी जिस टाइम आएंगे यहाँ से इसी गेट से वो अंदर जाएंगे और फिर वापस आएंगे, हम लोग पूरे परिवार के साथ में उनका फूल माला से यहाँ पर स्वागत करेंगे। आप खुद को प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो भी, और वैसे भी रामलला का पड़ोसी मानते हैं, तो इस बात पर कितना आपको अलग महसूस होता है, क्योंकि दूर दूर से तो लोग आते हैं लेकिन आप बिल्कुल बगल में रहते हैं। जी, हम आते हैं और हम शाम के टाइम में खड़े होते हैं, देखते हैं, और बहुत सारे मेहमान लोग बाहर से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, और मतलब इतनी जो फैमिलियां को कभी यहाँ नहीं देखा था, कभी नहीं आते जाते देखे थे, मेला होता था, सारे प्रोग्राम होते थे, भीड़ होती थी, लेकिन अब वो चीजें जो साल में एक दो बार नजर आती थी, वो अब जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है तब से ये सब चीजें रोज नजर आती हैं, इतनी बदल गई है, इतनी रौनक रहती है।